नमस्कार। आज हम जो घटना बताएंगे वो है तो एक 18 से 20 साल के लड़के का, लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ पे अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। कोई अपने बीवी का ज्वेलरी प्लेज करके आता है, तो कोई इधर उधर से उधार में पैसा जुगाड़ करके आता है। ठीक है, तो पहले हम उस 18 से 20 साल के लड़के का बात करेंगे। ठीक है, वो हमको कॉल किया पहले, तो जब कॉल किया तो फिर बातचीत वगैरह हुआ, तो हम उससे पूछे कि लॉस कैसे हुआ। तो हमको तो पहले से ही पता था एज यूजुअल कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही लॉस किया होगा। तो बोला भैया पहले हम कुछ पुट कॉल वगैरह खरीद रहे थे, तो 5,000-10,000 डेली का हो जा रहा था, तो फिर हम इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके ज़्यादा लगा दिए और अब लॉस हो गया है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए, लिटरली मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं। ठीक है, क्योंकि नॉलेज होना और एक्सपीरियंस होना बहुत फ़र्क होता है। मेरे पास नॉलेज है, उतना एक्सपीरियंस अभी मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी कुछ ज़्यादा एज हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमसे जितना बन सका हम उसको समझाने का कोशिश किए। ठीक है, और बात सिर्फ उस लड़के का नहीं है, यहाँ पे अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वो कहीं ना कहीं से उधार लेके पैसा लेके आते हैं मार्केट में और लॉस कर देते हैं या कुछ भी शॉर्टकट अपना लेते हैं। तो ये सब मत कीजिए, आप लोग समझिए इस बात को। मार्केट इज़ वेरी क्रूएल। मार्केट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप पैसा उधार लेकर आए हैं या आपकी बीवी का ज्वेलरी प्लेस्ड है। ठीक है, यदि आप गलती किए हैं तो मार्केट आपको पनिशमेंट देगा। इधर आपके गलती का आपको माफ़ी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो है ना, समुद्र है। ठीक है, और समुद्र में मोती तो आपको दिख रहा है और आप मोती देख के कूद जाते हैं, डायरेक्ट छलांग मार देते हैं। आप ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि समुद्र में कूदने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आपको स्विमिंग आता है या नहीं आता है। आप कूद तो जाइएगा समुद्र में, लेकिन अगर आपको स्विमिंग आता है तब तो ठीक है, और नहीं आता है तो पहले जाके स्विमिंग सीखिए, ना कि आप छलांग लगा दीजिए। क्योंकि आप बिना स्विमिंग जाने छलांग तो लगा सकते हैं, लेकिन आप पक्का समुद्र में डूब जाइएगा, ये बात हमेशा याद रखिए। मोती तो नहीं मिलने वाला है, आपको यदि मोती चाहिए तो आपको स्विमिंग सीखना ही पड़ेगा। आप लोग को एक और रियल स्टोरी बताते हैं। ठीक है, ये एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन का है। उन्होंने क्या किया कि लगभग कोविड के टाइम वो रिटायर हुए होंगे। एग्जैक्ट स्टोरी हम लोग को भी नहीं पता है, ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं। लॉस हुआ है ये पक्का है, कहाँ हुआ है ये नहीं पता है, क्योंकि वो बताएंगे तब ना किसी को पता चलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड हुआ है, तो वो या तो खुद स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए हैं या फिर कोई स्कैमर जो है उनको कॉल किया, उनके जरिए वो पैसा लगाते थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो या तो खुद लगाए हैं तो डायरेक्ट उनका लॉस हुआ है, नहीं तो फिर जो कॉल करता था उनको ये पैसा देते थे लगाने के लिए, वो पैसा लेके भाग गया, इनसे पैसा लिया जो भी था 20-25 लाख रिटायरमेंट वगैरह सब, पहले कुछ प्रॉफिट वगैरह दिया था ताकि ट्रस्ट हो जाए, तब जाके ये और पैसा दिए, उसके बाद वो लेके भाग गया। तो लॉस कैसे हुआ उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कुछ भी गलत उलूल जुलूल काम कीजिएगा तो लॉस तो होगा। आप अगर खुद से भी किए तो भी लॉस हो गया, अगर ब्रोकर के जरिए भी हुआ तो भी लॉस हो गया, लॉस तो हो गया ना। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि कैसे लॉस हुआ है, इतना आसान नहीं होता है। कमाने में ज़िंदगी लग गया उनको, समझ जाइए, और एक झटके में बस एक गलत डिसीजन उनका पूरा ज़िंदगी भर का कमाई लेके चला गया। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि रातों रात कुछ भी नहीं बदलता है। ठीक है, उसमें मेहनत करना पड़ता है और धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। शॉर्टकट अपनाने का कोशिश मत कीजिए। तो मेरे तरफ से तो इतना ही है। हम सोचे कि बहुतों के साथ ऐसा होता है, तो अगर मेरे वीडियो बनाने से कुछ फर्क पड़ता है, कुछ लोग का भी अगर नुकसान बच जाए तो ज़्यादा बेटर है।
और आपको अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।